हे गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल द हबीबी व्लॉग्स। और एक और नए व्लॉग में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर घूमने के लिए, तो आपको लोकेशन दिखा देता हूँ थोड़ी सी। और ये है प्यारी सी लोकेशन, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये दिल्ली में होगी। और ये है यमुना। और ये है ओखला बर्ड सेंचुरी, जिसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है ओखला बर्ड सेंचुरी। और ये सुपरनोवा टावर जो है उसके जस्ट अपोजिट साइड है, तो आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत पीसफुल जगह है ये। तो सबसे पहले यार मैं इसमें खड़ा हुआ था जहाँ पे मैं इंट्रो ले रहा था। और उसके अलावा ये ना, ये ड्रामों पर टिकी हुई है और मस्त बंधी हुई है। इस पर ये थोड़ी हिलती है तो मज़ा आता है। और उसके अलावा देखो यहाँ पे ना एक छोटी सी बोट बनी हुई है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, मस्त पिकनिक बना सकते हैं। वेल, अभी तो रमज़ान चल रहे हैं तो हमारे लिए तो कोई पिकनिक स्पॉट है नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह रमज़ान के बाद मैं यहाँ पे पिकनिक बनाना ज़रूर चाहूँगा। तो यार काफ़ी अच्छा स्पॉट है ये बैठने के लिए। तो अभी मैं इस बोट के अंदर बैठने जा रहा हूँ और यहाँ से देखो व्यू कितना प्यारा आ रहा है, एकदम मस्त बैठ करके आपको। ठंडी ठंडी हवा है यहाँ पर। तो जैसे ही आप एंट्री करेंगे, सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा ये बरगद का पेड़, जो काफ़ी साल पुराना लग रहा है मुझे तो यार, काफ़ी साल पुराना। और उसके जस्ट बराबर में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ये नेचर पीस कैफ़े ओखला बर्ड सेंचुरी का। और काफ़ी अच्छी और प्यारी लोकेशन है यहाँ पे, इन लोगों ने लाइट वगैरह लगा रखी है और काफ़ी अच्छी चेयर्स वगैरह डाल रखी हैं। देन यहाँ से जो व्यू लगता है वो बहुत ज़्यादा प्यारा है और ठंडी ठंडी हवा आप लोगों को फील होगी। तो यहाँ पे तरह तरह के आप लोगों को पौधे देखने को मिल जाएंगे और तरह तरह के पेड़ भी देखने को मिल जाएंगे। और सबसे ज़्यादा प्यारी और यूनिक चीज़ मुझे यहाँ पे ये लगी है, पेड़ पे इन लोगों ने छोटी छोटी चिड़ियाओं के लिए ये एक हट बनाई हुई है, बहुत प्यारी लग रही है ये। वेल, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है, आगे नेचर वॉक लिखा हुआ है। और अब हम एंट्री कर चुके हैं और सच बता रहा हूँ, खुदा रमज़ान है मेरा, ठंडी हवा, सॉरी हाँ, रमज़ान का महीना है और रोज़ा है। देखो ये फ़ायदा होता है, अगर कुछ गलती होती है ना तो वाइफ उसे सही करा देती है, झटाक से सही करा देती है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं नया नया शादी करके बैठा हूँ तो इसको बड़ा मज़ा आ रहा है, ऐसा नहीं है यार, नया नहीं है ना, 2 साल हो चुकी है मेरी शादी को, ठीक है, और काफ़ी अच्छे से वक्त गुजर रहा है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। वेल, मैं आपको बता रहा था कि आपको अलग अलग तरह तरह की लोकेशंस आपको बैठने को मिल जाएंगी यहाँ पर। और ये यहाँ पे देखो आप बैठ सकते हो और एकदम मस्त लोकेशन है। तो बेसिकली गाइस, यहाँ इस लोकेशन का तो मैं लुत्फ उठा चुका हूँ, सामने से एकदम ठंडी हवा लग रही है बेहतरीन, और यहाँ से जो व्यू आ रहा है वो कुछ इस तरीके का आ रहा है। तो अभी हम बढ़ने वाले हैं आगे की तरफ, चलें, चलो 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 जल्दी चलो। तो यहाँ पे एक ये हिंदी नेम है जिसका नीलकंठी ब्लू थ्रोट। और यहाँ पे देखो बायोडाइवर्सिटी ऑफ रेप्टाइल्स एट ओखला बर्ड सेंचुरी, पाइथन स्नैक, इंडियन रेड स्नैक, कीलबैक स्नैक, काफ़ी तरीके के स्नैक यहाँ पे लिखे हुए हैं, पता नहीं होंगे नहीं होंगे वो एक अलग बात है। तो अभी हम चल रहे हैं यार आगे, घुसना आगे आगे, मैं पीछे पीछे। और यहाँ पे देखो एक पेड़ है, यहाँ पे बैठ के मैं थोड़ा सा इन्जॉय करने वाला हूँ। तो यहाँ पे रास्ते में एक पेड़ थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ था, मैं उस पर बैठा हूँ, एकदम मस्त हवा लग रही है, एकदम प्यारी प्यारी। और ये पत्ते थोड़े थोड़े हिलते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। अब देखो घुसना नीचे है, मेरा नीचे उतरने का इंतज़ार कर रही है, लो पकड़ो जल्दी पकड़ो, ये हटाओ कैमरे से, चलो बोलना शुरू करो। तो बेसिकली मैं इस पर कैसे चढ़ा मैं बताता हूँ, अब जैसे मैं उतरूँगा मैं इस पर लटका था और यहाँ से ऐसे चढ़ गया था। तो अब चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ, थोड़ा और इन्जॉय करते हैं, लेट्स गो आसमान। तो बेसिकली ये रास्ता है जो कि मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, जो कि नदी के बराबर में है अल्हम्दुलिल्लाह, और जगह जगह पे बैठने के लिए स्पॉट बनाए गए हैं। और हम आगे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं थोड़े से और अच्छी लोकेशन पर, अब यहाँ से ज़्यादा व्यू नज़र आता है, यहाँ पे बैठने के लिए ये चेयर बिछाई गई है और जो भी है। और यहाँ से काफ़ी अलग अलग तरह के पक्षी नज़र आ रहे हैं, एक ये रहा और वहाँ पे भी बैठे हुए हैं, और आवाज़ तो आप लोग भी सुन रहे होंगे, मेरे अलावा भी पक्षी होगी, कोई ना कोई पक्षी बोल ही रहा है। तो
अलग अलग तरह की यहाँ पे ऐसी आवाज़ें मिल जाएंगी। और अगर आप यहाँ पे पिकनिक के लिए आते हो तो बेस्ट 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 लोकेशन है ये, बेस्ट। तो गाइज़ थोड़ा सा आगे चल के हमें ये हट मिल गई है इस टाइप की, और सबसे अच्छी बात यहाँ की मुझे ये लगी है कि इन लोगों ने सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा हुआ है और हर जगह पे सफाई है। देखो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी सफाई है और व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा आता है हर जगह से। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। वेल मैं एक बात और बता दूँ, ये कपल और फैमिली के लिए बहुत अच्छी जगह है। लौंडे लौंडे प्लीज़ यहाँ पे ना आए, लौंडे लौंडे आकर के क्या ही करेंगे यहाँ पे, तो लौंडे लौंडे ना आए। क्या तरीका है, फैमिली फैमिली आए, कपल्स के साथ आए, आपका वक्त अच्छा गुजरेगा। लेकिन मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ यार, अपनी वाइफ के साथ आए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को, ठीक है। बिला वजह कि हराम रिलेशन में मज़ा नहीं है उसमें, इसमें इसमें ज़्यादा मज़ा है, समझ रहे हो। मुफ्ती तारिक मसूद पे चलो मुफ्ती तारिक मसूद को फॉलो करोगे तो एक की जगह चार के बारे में सोचोगे, चार के बारे में। इनका रिएक्शन था अभी, आप लोगों ने मिस कर दिया। चार के बारे में जैसे ही बात करते हैं रिएक्शन बदल जाता है पहली वाली का। तो देखो ये कितना एंजॉय करती फिर रही है मैडम, आगे आगे चल रही हैं, पहले घूम रही हैं सारी चीज़ों को। और यह जो सबसे अच्छी और बेस्ट यूनिक चीज़ लगी है, इन लोगों ने जो हट बनाई हुई है एक बोट के अंदर बनाई हुई है एकदम मस्त, और वहाँ से बैठ करके आप नज़ारा ले सकते हैं, खाने पीने के लिए कुछ खा पी सकते हैं। और देखो वो रुकने को तैयार नहीं है, आगे आगे भागी जा रही है। पलटी पलटी। चलो चलो चलो। वेल इससे पहले हम नैनीताल गए थे नैनी पीक पे, तो वहाँ पे भी इनका यही हरकतें थी, आगे आगे भागी जा रही थी और मेरे को पीछे छोड़ दिया था। मैंने उसका व्लॉग शूट नहीं किया, मिनी व्लॉग शूट किया, इंशाल्लाह वक्त मिलेगा तो डालूंगा। और अगर आप लोगों की कमेंट आती है तो मिनी व्लॉग डालो नैनी पीक का, तो ज़रूर डालूंगा, तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अंजीर का पेड़ है एक, ये रहा, ठीक है। लेकिन अंजीर बहुत छोटी छोटी आ रही हैं इस पर, अरे छोटी छोटी है ना। चलो देखो एकदम दोनों तरफ से पेड़ हैं और बीच में से एक कच्चा रास्ता बना हुआ है एकदम मस्त। और यहाँ पे भी एक प्यारी सी जगह है जहाँ पे आप सिर्फ खड़े हो सकते हैं, बैठ नहीं सकते। देखो यहाँ पे छाँव बहुत ज़्यादा है, शेडो है, तो यहाँ पे ना बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ बिछाने के लिए लाते हैं यहाँ पे बैठ करके मस्त एकदम पिकनिक बना सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे एक फाख्ता की आवाज़ आ रही है, और ये बहुत पुराना बरगद का पेड़ नज़र आ रहा है मेरे को, और इसी के बराबर में बेंच है। देखो लोकेशन यार गाइस, फ़ोटोशूट के लिए भी बहुत अच्छी लोकेशन है। वेल इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी बात बता रहा था कि आप लोगों को यहाँ पे अकेला नहीं आना है, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे सभी कपल्स आए हुए हैं, ज़्यादा तो मैंने शादीशुदा ही देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप लोग अकेले आएंगे तो आप लोगों को बैड फील होगा, सो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक दैट। तो आप लोगों को अकेले नहीं आना है, ठीक है। तो कपल्स के साथ आना है, अपने फ्रेंड्स के साथ आना है, तो ज़्यादा मज़ा कर पाओगे आप। तो गाइज़ वहाँ पे पीछे दो लड़कियाँ जा रही हैं, ठीक है। तो वो लोग बात करते हुए जा रहे थे कि वो बोर हो रहे हैं। देखो देखना मत, तुम पीछे मत देखना, दिखेंगे नहीं आपको। वेल जाहिर सी बात है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, बोर तो होंगे यार, जब जगह ही कपल्स की है तो बोर तो होंगे। तो यार यहाँ से शायद आप लोगों को पता नहीं नज़र आ रही हो नहीं आ रही हो, तो बहुत सारी जल मुर्गियाँ हैं देखो यहाँ पे ना, बहुत सारी। और अब हम पक्के रोड पे चढ़ चुके हैं यहाँ से, और काफ़ी सारी पब्लिक है यहाँ पे, ऐसे नहीं है, लेकिन आपको फिर भी पीस फील होगा यहाँ पे, काफ़ी शांति फील होगी, बिकॉज कोई शोर शराबा नहीं है और सिर्फ पक्षियों की आवाज़ें हैं यहाँ पे। कौवा भी बोल रहा है, देखो हाँ कौवा भी बोल रहा है, हाँ ऐसा ही है। आलम भाई ठीक कह रहे हैं, तो मानो मेरी बात को, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज दिल्ली की सारी अच्छी अच्छी लोकेशंस मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ अब। तो एक यूनिक पेड़ दिखाना आपको, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये पेड़, बहुत ज़्यादा। इस पर चढ़ने को मन कर रहा है, लेकिन मेरा रोज़ा है तो मैं इसलिए नहीं करूँगा ऐसी हरकतें कुछ भी। और यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू है, और ये बेंच यहाँ पे रखी हुई है, मेरी अहलियाँ यहाँ बैठी हुई हैं। चलें आगे चलते हैं, आगे बढ़ो जवानों। तो हम आगे बढ़ रहे हैं अब,
धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी काफ़ी लंबा जाना है हम लोगों को और टाइम का भी थोड़ा ख्याल रखना है। हाँ तो गाइस बहुत दूर चल के हम थक गए और थक गए हम बैठ गए, क्योंकि हमारा रोज़ा भी है ना, तो ज़्यादा एकदम से चलते रहेंगे तो फिर प्यास लग जाएगी, टाइम बोल जाएगी, मैं नहीं चाहता हमारी टाइम बोल जाए। तो यहाँ पे एक छोटी सी हट बनाई हुई है और यहाँ से व्यू काफ़ी खूबसूरत है, सूरज का भी बादलों का भी। तो रास्ते में यार एक हमें यूनिक सी चीज़ नज़र आई है, ये छोटी छोटी बर्ड्स के लिए ना घोंसला बनाने के लिए रखी गई है, और देखो वहाँ पे ऊपर की साइड एक घोंसला भी है और उसके अंदर भी एक घोंसला है, तो काफ़ी, और यहाँ पे भी अंदर की साइड ज़रूर घोंसले होंगे, तो काफ़ी यूनिक चीज़ नज़र आई है। और हमें देखो हम कैसे बैठे हुए हैं। भाई दोनों अमीबा बीबी ऐसे ही बैठे हैं बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सीन थोड़ा सा ये है कि वो मुझसे आगे इसलिए भाग रही है बिकॉज हम काफ़ी दूर से चलते हुए आ रहे हैं और इस साइड में चेयर्स लगी हुई होती हैं और हमें अभी तक एक भी चेयर खाली नहीं मिली है, और अब इन्हें एक चेयर नज़र आ गई है, तो इसलिए मुझसे बहुत ज़्यादा आगे भाग गई है ताकि उस चेयर को कोई घेर ना ले, तो ये वहाँ पे जा करके बैठना चाहती है। देखो, और इनका रोज़ा है तो इनकी थोड़ी सी टाई बोल रही है। तो गाइस यार बहुत दूर चल के आ चुके हैं हम लोग और हमें फाइनली एक जगह ना एक सीट खाली मिल चुकी है, और लोकेशन देखो यहाँ से कुछ इस तरीके की है, ये यहाँ पर हट बनी हुई है और यहाँ से सामने से यमुना नज़र आ रही है। और यहाँ पे यार मैं इसलिए लेटा हूँ क्योंकि मेरी ना टाइम बोल रही थी मेरे पैरों की। तो गाइज़ देखो टाइम 4:39 हो चुके हैं और अब हम वापस जा रहे हैं, और हम काफ़ी दूर चल गए थे लेकिन हमने एंड नहीं किया अभी इस वॉक का, बिकॉज बहुत ज़्यादा आगे जाना था और हम लेट हो जाते, सो दैट मैं वापस आ गया वहाँ से। और अब हम एक लोकेशन पर बैठे हुए हैं, देखो आप थक चुकी हैं, और ये प्यारी सी लोकेशन है यहाँ पर माशाल्लाह। तो फाइनली गाइज इस ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे। आई होप ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई हमने। वेल हम बीच में से वापस लौट गया बिकॉज आप लोगों को पता है हम लेट हो रहे हैं, वी हैव टू ऑफर द नमाज, सो दैट आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।